ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीजें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूँ, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है, आइडिया चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? आप अपने सुझाव मुझे फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1031 नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, delhicm.suggestions@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा, जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे।